मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महज 3 महीने का ही समय बचकर रह गया है। ऐसे में हर एक राजनीतिक दल तमाम घोषणाएं कर रहे हैं। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 में घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी हमारा प्रमुख उद्देश्य होगा। वही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घोषणा को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता उमेश त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता कर मुख्यमंत्री की घोषणाओं को बिंदुवार बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है, करती नहीं। कांग्रेस का भी यही हाल है। ये है भाजपाइयों का अहम और कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस की सरकार बन भी जाएगी तो टिकाऊ तो रहती नहीं है। आप देख लीजिए कितने जगह की बने और फिर लिए पैसा और चले गए भाजपा में। ये बेचेंगे वो खरीदेंगे। कांग्रेस की सरकार बनती भी है तो ये बिक जाएगी और भाजपा खरीद के फिर भाजपा आ जाएगी। इनको पैसा चाहिए, इनको कुछ बाकी चीजों से रोका।